हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गोभी और गाजर का अचार। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है गोभी, गाजर, एक कप छोटा मस्टर्ड ऑयल, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मेथी दाने 1 चम्मच, हींग पिंच ऑफ हींग, जीरा 1 चम्मच, सिरका वाइट विनेगर मैंने यूज़ किया है लगभग लगभग 2-3 टेबल स्पून्स, मिर्च पिसी हुई 2 बड़े चम्मच, पीली सरसों 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 छोटा चम्मच और राई का पाउडर 1 बड़ा चम्मच। ये जो गाजर और गोभी है इसको मैंने सबसे पहले पानी में, नमक वाले पानी में 10 मिनट के लिए डिप किया हुआ है। उसके बाद इसे उबलते हुए पानी में मैंने डाला है। उबलते हुए पानी में मैंने इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकाया है और उसके बाद इसे छान के मैंने 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसे गर्म कर देंगे। ये अचार मेरे मम्मी बना रहे हैं और इसमें हम मेथी के दाने डालेंगे। ये सारे मसालों को पहले हम रोस्ट कर लेंगे, जो भी खड़े मसाले हैं। ये डाला है हमने मेथी के दाने, अजवाइन, पीली सरसों 1 चम्मच, जीरा और अब इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस थोड़ी धीमी कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। इनको हमने अच्छे से मिला मिला के रोस्ट करना है, भून लेना है इनको हमने। अभी आप देख सकते हैं कि ये भून गए हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर में डालकर। ये आपके पास ब्लेंडर है या ग्राइंडर है, जो भी है उसमें आप इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए और इसमें रख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है उसे रखेंगे और गर्म करेंगे। इसको हमने तब तक गर्म करना है इसके बिल्कुल हीटिंग पॉइंट तक। उसका मतलब है कि जब इसमें भाप आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एक हल्की सी स्मेल होती है वो निकल जाती है उससे। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से भाप आ रही है, गर्म हो गया तेल अच्छे से। अब मैं गैस बंद, अब ये तेल ठंडा हो गया है, हल्का ठंडा। हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग, उसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक अपने स्वादानुसार, अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच। इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस हमारी बंद है, इसको अब आपने ऑन नहीं करना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप इसे थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें डाल देंगे गोभी और गाजर। मैंने इसमें छोटे छोटे पीस अदरक के भी लिए हुए हैं, अगर आपको अदरक पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हम सारे मसालों को गोभी और गाजर के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे वाइट विनेगर 1 कप और फिर 1 चम्मच राई पाउडर। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको मिक्स करने के बाद जो हमारे भुने हुए मसाले थे वो अब इसमें डाल देंगे हम और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब ये अचार बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे अभी भी खा सकते हैं, पर अगर आप इसे जार में डाल के 2-3 दिन धूप लगाएंगे तो उसके बाद इसमें जो स्पाइसीज हैं, जो फ्लेवर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे उभर के आएंगे, वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे।
अब हम इसको एक जार में उल्टा लेंगे, एक बाउल में। अब ये अचार मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब ये रेडी है। अगर आपको मेरा ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप और अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप देख पाएँ और आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएँ। थैंक यू।